बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी ओम माथुर, भाजपा प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल आदि उपस्थित रहे। बैठक में भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ की खुशहाली का घोषणा पत्र देगी। उन्होंने कहा कि आरंभिक रूप से हमने तय किया है कि समिति के सदस्य विधानसभा स्तर तक जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे। जो छत्तीसगढ़ की क्षमता है, जो छत्तीसगढ़ की ताकत है, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा है, जो जनाकांक्षा है, उसके अनुरूप एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अलग अलग समितियों की अलग अलग बैठकें हुई है, मोर्चे की अलग बैठक हुई है, घोषणा पत्र समिति की अलग बैठक, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक, और सब अलग अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इसकी चर्चा हमने की है। मोर्चों के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे, ये हम सब ने तय किया है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर आगे पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ाने का आज निर्णय हुआ है। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे। पहले भी कर्मचारी हित में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, आगे भी हम करेंगे। प्रारंभिक रूप से हमने तय किया है कि हम विधानसभा स्तर तक जाएंगे, लोगों के सुझाव लेंगे, और उन सब सुझावों को विचार करके एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की क्षमता है, छत्तीसगढ़ की ताकत है, छत्तीसगढ़ की अपेक्षा है, छत्तीसगढ़ के लोगों की जो आकांक्षा है, उसके अनुरूप एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ा सके, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जा सके। उसकी रूपरेखा बन रही है, बहुत जल्दी इस पर काम चालू होगा। आकांक्षा है, उसके अनुरूप एक अच्छा घोषणा पत्र लेकर आएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ा सके, अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जा सके। उसकी रूपरेखा बन रही है, बहुत जल्दी इस पर काम चालू होगा। मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के लिए, और जिस बड़े मन से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण किया है, कि छत्तीसगढ़ के लोगों में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ के लोग तरक्की कर सके, उसी के अनुरूप हम घोषणा पत्र तैयार करेंगे। हर वर्ग की बेहतरी और तरक्की के लिए हमारा ये घोषणा पत्र होगा। हमने आरोप पत्र समिति बनाई है, अभी समिति के साथ बैठना है, और समिति ने तैयारियां की है, क्या क्या तैयारियां की है बैठक में पता चलेगा। पर इस सरकार के वो तो रोज एक नए आरोप लगते हैं, रोज एक नया मुद्दा ये सरकार देती है। वादा खिलाफी है, भ्रष्टाचार है, माफियाओं का राज है, नशे का गढ़ है, ऐसे मुद्दे हैं इस सरकार के खिलाफ। पर आरोप पत्र समिति ने बहुत विस्तार से तैयारी की है। निश्चित रूप से हम सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र जारी करेंगे, विस्तृत आरोप पत्र जारी होगा। धन्यवाद। चलो धन्यवाद।